वेलकम है आपका एयर ड्रॉप टेस्टिंग पर। बात करते हैं वनीला फाइनेंस एयर ड्रॉप के बारे में, किस तरह से आप ट्रेडिंग कंपटीशन जो है वो विन कर सकते हैं। तो इस कंपटीशन में हमारे पास इस वक्त बीटीसी का पेयर है। अब हम इसके अंदर अपने लेवल बढ़ाएंगे, देखते हैं कि हम कितनी अचीवमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ये जा रहा है तो मैंने ये ट्रेड इसकी शुरू कर दी, मैं दूसरे पे जाता हूँ। अब मैं ये क्लोज करता हूँ इसको। अभी हमने मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करनी है इसकी। अभी लेवल 5 किया मैंने बीटीसी का। अब इसको हम अप पे करेंगे। मैंने अप पे कर दिया, नीचे वाली जो ट्रेड था वो क्लोज कर देंगे। इसके साथ साथ आपने मूवमेंट बस करते जाना है, आपने रुकना नहीं, आपने कोशिश करना है। अगर रुकना आप काम करते जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग जो आएगी लेवल 2 की हो जाएगी। सेकेंड्स में हुआ है आपके सामने, कोई टाइम नहीं लग रहा है। अभी दोबारा मैं जाता हूँ, ट्रेड बंद कर दूँगा सबसे। ये आपके सामने मैंने इसका लेवल सेकेंड कर दिया। अभी हम दोबारा ट्रेड लगाते हैं। इसी वक्त मार्केट अप जा रही है तो हम जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बना सकते हैं वो बनाएंगे। ये अभी आपके सामने लेवल 3 की चीज़ होगी, उसमें टाइम लगेगा। ड्राइवर मुझे लग रहा है कि थोड़ी ट्रेड फटाफट बंद कर दी, क्योंकि हमारी जो वो है प्राइस वो अभी लेवल 3 होने वाला है। इसके बाद मुझे दोबारा अभी दोबारा ये मार्केट नीचे जा रही है, एक और ऑर्डर लगा दिया 5 का। नीचे के बाद ऊपर आगे दोबारा यहाँ से दोबारा अप पे लगा दिया। ये हमारा लेवल 3 की चीज़ है। अभी हम आपको चाहते हैं ये सारी ट्रेड अपने बंद कर दी। आपने ये सारा काम बड़ी स्पीड में करना है, टाइम नहीं होगा आपके पास। अभी लेवल अभी नीचे आ गए हैं, अभी इसका वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं, बढ़ा के अभी नीचे में ट्रेड ले लगा। मेरे पास ये वॉल्यूम मैंने जनरेट करना है सर। तो कंपटीशन जो होता है इसके अंदर आपके पास उन्होंने आपको दिया था, और वो देखते हैं कि आप लोग कितना उनको स्पीड में काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी वो पैसे जो है वो प्रोवाइड किए होते हैं। जो भी आप कंपटीशन में जाते हैं, हिस्सा लेते हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग के अंदर, इसमें आपको ये अभी भी मार्केट डाउन है, ये हाँ जी मार्केट डाउन है, तो हम इससे और ज़्यादा करते हैं। ये मेरा एरर आ गया, रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। इसको ऊपर कर रहे हैं, मार्केट जो है ऊपर जा रही है, ट्रेड लेते जा रहे हैं। वापस नीचे आ गए हैं क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, ये मार्केट नीचे जा रही है। दोबारा से हम इसके ऊपर एक और ट्रेड ले लिया हमने, ये वापस आई मार्केट ऊपर जा रही है थोड़ी सी। तो इसी वक्त हमने फॉरन ट्रेडिंग जो है अपने बंद कर दी, मैंने ट्रेड बंद कर दी इसकी, क्लोज कर दी। अब ऊपर जा रही, आपकी ट्रेड लगाते हैं। ये मार्केट नीचे जा रही वापस, मैंने दो ट्रेड लगा ली, एक ट्रेड ऊपर लेता हूँ। फिर यहाँ से दोबारा ट्रेड लगा, प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ट्रेड लगाते जा रहे हैं। इसी में से हमें वापस पैसे जो है हमारे जो बैलेंस कम हो वापस इसी में से आ रहे हैं। ये बंद कर देते हैं मार्केट, इसको बंद कर देते हैं। देखो इसमें मेरे पास 250, ये भी शो कर रहा है कि 2,300 डॉलर जो है हमने इसकी ट्रेड का वॉल्यूम जनरेट कर दिया। मैं वॉल्यूम भी बना रहा हूँ और उसके साथ अपनी ट्रेड भी साथ साथ बन रहा हूँ। मैंने मेरा वॉल्यूम जो है वो ख़त्म हो गया था, दोबारा से मैंने उसके अंदर थोड़ा सा काम किया और अपना वॉल्यूम बनाया। मुझे 2-3 दिन लगे थे, मैंने 2-3 दिन के अंदर लेवल अपना अचीव कर लिया था। इसी में से आपको टाइम आएगा कि आपको इसका फ़ायदा जो अभी होगा। अभी ये मार्केट अभी जा रही है, मैंने इसके ऊपर लगा रहा हूँ। वापस बंद कर दिया, मैंने ट्रेड बंद करके बैक जा रहा है, सॉरी शॉर्ट कर दिया मैंने इसे, शॉर्ट कर रहा। देखो कितने तक मेरे पैसे मिल सकते हैं, मैंने बंद कर दिया इसको। आप अपनी जो मेरे साथ साथ आपने स्पीड में काम करना इसके ऊपर। ये मैंने ऊपर की ट्रेड ले ली है, ठीक है। आपने इसके अंदर काम करना है। अगर आपके पास जैसे अभी भी किसी भी हम ट्रेड ले रहे थे, अगर आपके पास वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपने अपनी दूसरी क्या नाम लेते हैं इथेरियम में या किसी और कॉइन में ट्रेड करनी शुरू कर देनी। जैसे कि हमारे पास नीचे कोई कॉइन है अब इसके ऊपर आ जाते हैं, तो आप इसके अंदर ट्रेड करनी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास वॉल्यूम कम है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर अपना वॉल्यूम जो है वो जनरेट करना। जैसे ही आप इसके अंदर अपना वॉल्यूम जनरेट करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप दोबारा से आप इसमें कॉम्पिटिशन जो है वो विन कर देंगे। तकरीबन मुझे 3 दिन लगे थे इसके अंदर, अभी मेरा ये लेवल 3 होने वाला है तो 3 दिन के अंदर मैंने लेवल 9 कर लिया था इसका। मिसाल के तौर पे आप एक दिन में 3 लेवल करते हैं या एक दिन के अंदर 5 लेवल कर लेंगे, तो अगर आज आप काम शुरू करें सुबह से, अगर आप 2-3 घंटे इसके अंदर काम करेंगे
अगर वे एक घंटा भी दे एक टाइम के अंदर, तो आप इसका लेवल 9 जो है वो कम अज़ कम अचीव कर लेते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपने सबसे अच्छी बात जो है वो पेयर बदल लेना आपने। जैसे BTC है मेरे पास, BTC के अंदर मैंने ट्रेडिंग का वॉल्यूम बनाया, उसके बाद मैंने पेयर चेंज किया। जब आपके पास पैसे कम हो जाए आपने पेयर चेंज करना है, चेंज करके उसी तरह से जैसे ट्रेड 7,000 में कर रहा था वैसे आपने ट्रेड करते जाना है। और उसके बाद जब आप लोगों ने, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे दोबारा से आ जाते हैं, तो आपने वापस बड़े पेयर पर चले, बड़े पेयर पर जाएंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि उसकी ट्रेडिंग का वॉल्यूम बड़ी जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो आपको उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा इस तरह से होगा कि आप कॉम्पिटिशन में लेवल पे आगे लेवल अचीव करते जाएंगे। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक आपका हमारे चैनल का।